कॉल आरजे सर, ठीक है सर, ठीक है भाई, मैं आरजे सर को कॉल कर रहा हूँ भाई, ठीक है, एक कॉल करूंगा, उन्होंने उठा लिया, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद फिर मैं चॉकलेट क्वेश्चन दूंगा। चलो भाई आरजे सर को कॉल किया जाए। लो भाई साहब फोन मैंने लगा दिया है, और ये रहे आपके और हमारे सबके प्याते राजवंत सर। सर ये आपके बैच के लड़के हैं, लक्ष्य में पढ़े हुए थे मैक्सिमम, और अभी प्रयास में है। हाँ सर अच्छे से पढ़ रहे हैं, शुरू के दो तीन दिन मटिया रहे थे, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है। सर इनको धमका के पढ़ना, थोड़ा ये टेढ़ी खेल रहे हैं, थोड़े इनको धमकाना पड़ेगा। अरे अच्छे खासा धमका के पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा अब तो फिर देखो कल से फिर आप नेक्स्ट क्लास। ये सर अगर आप हल्का फुल्के में लोगे ना, ये आपको पपलू बनाने लग जाएंगे कुछ लेक्चर के बाद। हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, टेस्ट वेस्ट देंगे नहीं है। अच्छा इनको थोड़ा धमकाना, इनकी डीपीपी और इनके टेस्ट का हिसाब किताब लेते चलना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा चैट में दिल आ रहे हैं, दिख रहा है। थैंक यू सो मच बेटा, ये सब आपको कह रहे हैं, लव यू सर, और आपको बहुत मिस कर रहे थे, है ना। मुझे बेटा हम लोग जल्दी जल्दी जैसे ही सलीम सर एक बार दिल्ली आ गए तो बस हम लोग आपकी क्लास में एक साथ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, इस बार के मौके को प्लीज जाने मत देना। देखो यार बहुत सारी चीजें रहेंगी एक्स्ट्रा निकले, लेकिन जितना सर बताए सबसे पहले उसको खत्म कर लेना, बिलीव मी। पहले जो टीचर बोल रहे हैं एटलीस्ट उतना कर लेना, ठीक है, एक्स्ट्रा करने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सर बता रहे हैं प्लीज उसको करो, और कोई डाउट रख के मत करो, क्योंकि बाद में तो तुम्हें खुद पर भी डाउट होएगा, ठीक है। एटलीस्ट आप अपने कंटेंट पर डाउट मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो, अच्छे मन से पढ़ाई करो, जितना बोल रहे बस उतना ही पढ़ाई करो, लोड लेके पढ़ाई मत करना, ठीक है। पूरी अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से चैनलाइज करके अच्छे से पढ़ना, इस बार कोई कमी मत छोड़ना। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं सर को पहले बता देना, सर ये हमारे पिछली बार वीक रह गया था, सर उस पे और एनर्जी लगा के आपको और क्वेश्चन करा के आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराएंगे। ये नहीं बताते ये पॉइंट वीक रह गया था, ये बताते सर ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। हाँ ये घमंड घमंड रहता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ सर आप इनसे ना पूछ लेना कि भाई अगली क्लास में मेरा ये टॉपिक होगा, पहले बता दो कितने बच्चों का वीक है। हाँ। पूछ लेना, आप ही पूछ लेना सर इनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बोलना कि ईमानदारी से बताओगे तो ज्यादा बेटर इलाज हो पाएगा। अगर डॉक्टर झूठ बोलोगे हाँ। तो फिर कुछ इलाज नहीं होगा, कुछ इलाज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ लव यू ऑल बेटा, बहुत सारे दिल मिल रहे हैं सर, बहुत सारे दिल चल रहे हैं सर, धड़ाधड़ चल रहे हैं, लाल लाल भी और हरे हरे भी। और पूरी एनर्जी अपनी मेंटेन रखिएगा, आगे आने वाला जो रास्ता है कठिन होता है, बीच में ना मिड ऑफ द सेशन में आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, और सारा फ्रस्ट्रेशन आप टीचर पे ही उतारते हो, मुझे पता है टीचर को ही सुनना पड़ता है। सही बात तो, बोली, बिल्कुल सही बात बोली है। ये सर ये अगर पढ़ के सेचुरेट आउट होंगे तो घर वालों को तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। इनको ये लगता है भाई हमने 4200-4800 टीचर को दिया, अभी रुको इनको पकड़ते हैं। बिल्कुल सही बोली है बात, तो हमें पकड़ के सुनाते बेटा, प्लीज ध्यान से पढ़ाई करते रहना बस, ठीक है। चलो सर आप भी अच्छे से करते, सुन लिया, फॉलो करिए बेटा, हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं सर, पर कि एक एक सेंटेंस में बहुत एक्सपीरियंस छुपा हुआ था वो, सुनिए समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, एक एक सेंटेंस में बहुत गहरी गहरी बात छुपी हुई थी। हाँ